अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 दिसंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 कब जारी होगा और कैसे देख पाएंगे, इस पर बातें होंगी। देखिए दोस्तों, जीपी ऐप और दीक्षा ऐप को लेकर छात्र परेशान है, उसको देखेंगे। डीएलएड छात्रों के लिए एक और नोटिस जारी किया गया, उसको देखेंगे। देखिए एक और बड़ी अपडेट आई है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए दोस्तों मिलेगी एक साल की छुट्टी। यूजी व पीजी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान मिलेगा अवकाश। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप क्या होता है इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट कि डीएलएड की कक्षाएं लगेंगी अब बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यही नोटिस है आप सभी छात्रों के लिए। अपडेट आई है लखनऊ से, इसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अपडेट कि विद्यालयों को मिलेगा नर्सरी के लिए 50,000 रुपये का बजट, क्या दोस्तों मामला है, इसको भी देखेंगे। परिषदीय स्कूलों की नई भर्ती के इंतजार में डीएलएड या बीटीसी व टेट उत्तीर्ण प्रशिक्षु। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर सभी बच्चे परेशान हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कितनी जल्द से जल्द नई वैकेंसी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों फोकस करेंगे डीएलएड की। दोस्तों अब ऑनलाइन कक्षाओं के बदले, मतलब ठीक है ऑनलाइन तो लगी रही थी, अब ऑफलाइन भी कक्षाएं लग सकेंगी, क्या अपडेट क्या इसको जरा देखिए। अपडेट है लखनऊ से, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स के विद्यार्थियों की कक्षाएं अब दोस्तों कैंपस में लगाई जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि वह अब विद्यार्थियों को कैंपस में बुलाकर पढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नोटिस एक्टिवेट हो जाएगा, जो भी दोस्तों आपके ये जारी हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपका दीक्षा ऐप है ना, ये सब, इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे रोज परेशान हो रहे हैं दीक्षा ऐप जीपी ऐप को लेकर, तो उन सबसे आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन जीपी ऐप वाला जो मामला है ना, वो ऑनलाइन इंटर्नशिप को लेकर है। तो देखिए, आपको भले कॉलेज में बुलाया जा सकता है, लेकिन जो प्राइमरी के बच्चे होंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उनके स्कूल खोलना तो पॉसिबल होगा नहीं कोरोना टाइम में, ठीक है। बाकी कितना कोरोना है आपको भाई दिखता होगा, और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही वो भी आपको दिखता होगा, ठीक है। जो भी दोस्तों कहिए, तो फिलहाल प्राइमरी स्कूल तो नहीं खुलने वाले, पर सदी स्कूल, तो फिलहाल एक छुट्टी आपको मिलेगी दीक्षा ऐप से, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तब होगा जब ये आदेश का पालन शुरू हो जाएगा, जब आप लोग कॉलेज जाकर पढ़ाई करने लगेंगे। ये दोस्तों ऑफिशियल बात होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉलेज को खोल दिया गया हो, आप लोग कॉलेज जा भी रहे हो, लेकिन ये ऑफिशियल अपडेट है। इसके बाद दोस्तों कई बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। अब दोस्तों एक और अपडेट को जरा देखते हैं। पहले परिषदीय स्कूलों की नई भर्ती के इंतजार में डीएलएड या बीटीसी व टेट उत्तीर्ण प्रशिक्षु। अपडेट क्या है, डीएलएड बीटीसी व टेट उत्तीर्ण प्रशिक्षु नई भर्ती की आस में एक साल से बैठे। अभी तक बेसिक में 69,000 भर्ती चल रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है कि 69,000 भर्ती पूर्ण होने के बाद नई भर्ती जारी करेंगे। 2019 प्रशिक्षुओं के लिए निराशाजनक रहा है, ठीक है ना। सोमवार को डीएलएड या बीटीसी के सभी संगठनों ने मिलकर प्रयागराज में बैठक कर निर्णय लिया है कि 21 दिसंबर को लखनऊ में विशाल धरना देंगे, ताकि प्रदेश सरकार एक और भर्ती जारी करे। कहा गया कि बेसिक शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, तब भी सरकार आनाकानी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन मामला ये है ना कि जब वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या हर बार सिर्फ चुनाव का इंतजार किया जाएगा कि भैया चुनाव आ जाए तो नई वैकेंसी आएगी, तो ऐसा होने से दोस्तों छात्रों का नुकसान भी होता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, चुनाव का इंतजार होता है कि नई वैकेंसी आती है। जो भी दोस्तों कुछ होगा हम आपके सामने अपडेट को लाएंगे, ठीक है। एक और अपडेट इसको जरा देख, अपडेट है कि दोस्तों स्टार्टअप के लिए मिलेगी एक साल की छुट्टी। यूजी व पीजी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान मिलेगा अवकाश। अपडेट आई है विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए पढ़ाई के दौरान 1 वर्ष का विशेष अवकाश दिया जाएगा। स्नातक यूजी व स्नातकोत्तर पीजी के विद्यार्थियों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। यूजी व पीजी प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी 1 वर्ष का अवकाश ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी यूजी व पीजी में 1 साल की परीक्षा पास करने के बाद अगले वर्ष का इम्तिहान पास करने को अधिकतम 3 वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन 1 वर्ष का यह अवकाश इस अधिकतम मतलब अवधि में शामिल नहीं जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव
मोनिका एस गर्ग की ओर से इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों को दिशा निर्देश भेजे गए। सभी उच्च शिक्षण संस्थान इनोवेशन सेंटर खोलेंगे और विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। खुद का स्टार्टअप विद्यार्थी आसानी से स्थापित कर सकें, इसके लिए स्टार्टअप केंद्र खोले जाएंगे। तो दोस्त, ये बहुत ही अच्छी खबर होगी सभी छात्रों के लिए। तो जैसे होता है ना कि आपको कोई मतलब कंपनी डालनी है छोटी मोटी, या कुछ आप करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों बीच में स्किल इंडिया आया था, स्किल इंडिया आया स्टार्टअप, तो काफ़ी बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप करेंगे तभी तो आप एक बिजनेसमैन बन पाएंगे, ये सब बातें यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पीएनपी से क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है डीएलएड रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है कंप्लीट हुए हुए। देखिए डीएलएड जो 2019 बैच का था भाई, मैथ का पेपर रद्द हो गया था, 25 नवंबर को दोबारा पेपर कराया गया, लेकिन बाकी पेपर तो पहले ही हो चुके थे। तो क्या कब तक रिजल्ट की उम्मीद आप लगा सकते हैं? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी आपका जो जीपी ऐप है ना, इसकी ऑनलाइन इंटर्नशिप चल ही रही है, ख़त्म तो हो नहीं रही है। तो मेन बात है जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको 100 नंबर जाकर स्कूलों से भी तो लेना है। अभी आपने 100 नंबर को लिया नहीं है, इस बात को भी जरा आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सब पूरा मामला है, जब आपके 100 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, ये सब हो जाएगा पूरा प्रोसेस, उसके बाद ही तो आगे का कार्यक्रम होगा ना। तो गाइस अभी आपको समय लगेगा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको आने में समय लगेगा। बाकी देखिए जो 2018 बैच के छात्र हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, इनके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रिजल्ट दोस्तों अपने तय समय से जल्द आने वाले हैं। बाकी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन अगर डिले होगा तो बस ये दिक्कत है ना कि नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जो बातें हो रही हैं 50,000-51,000 जो भी पद आएंगे नई भर्ती में, उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, मतलब उस शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो सकते हैं, स्पेशली 2019 बैच के छात्र। तो गाइस अगर अभी मैं मौका आपको नहीं मिला तो फिर आप कितने साल इंतजार करेंगे भगवान ही जाने, ठीक है, 3 साल 4 साल 2 साल, क्योंकि 2018 में 69,000 भर्ती में दोस्तों आपको पता है, उस समय आपको बता दें बीटीसी का 2015 बैच चल रहा था, ठीक है, शायद आप ना जानते हो, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे थे उस समय इंग्लिश का पेपर देखे, जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनको बता दें सबसे ज़्यादा आपकी जो बैच लगेगी वो इंग्लिश और मैथ में ही लगती है। बीटीसी का 2015 बैच, उसमें दोस्तों इंग्लिश में लगभग 25% छात्र फेल हो गए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं सभी बच्चे 69,000 भर्ती से बाहर हो गए। कुछ बच्चों ने सोचा होगा चलो ठीक है यार, इस वैकेंसी से बाहर हो गए, नई भर्ती जल्द से जल्द आएगी, लेकिन गाइस उसके बाद कोई नई वैकेंसी जल्द देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना लंबा इंतजार करना पड़ा छात्रों को। तो बस इसीलिए दोस्तों बातें हो रही हैं कि जितनी जल्दी आपको नौकरी मिल जाए उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो मौका दोस्तों मिलना मतलब पहला स्टेप होता है ना नौकरी, तभी तो आप पाएंगे जब आपको मौका मिलेगा। अब जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो नौकरी आप कैसे पा पाएंगे? तो ये सब दोस्तों बातें हैं जो कि, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे डीएलएड परीक्षा को लेकर, ठीक है ना। तो प्रसिद्धि स्कूलों की नई भर्ती के इंतजार में डीएलएड बीटीसी व टेट उत्तीर्ण प्रशिक्षु, देखिए जो बच्चे पास कर लेते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ये मत सोचिएगा नई वैकेंसी आएगी भाई सबको मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो पीएनपी से दोस्तों और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जीपी ऐप की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, दीक्षा ऐप को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं लेकिन हो सकता है कि इससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल सकता है। जब आपके एक बार स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर आप दीक्षा ऐप से क्यों पढ़ाई करेंगे? 41,000 रुपये आप देखने के लिए तो देते हैं नहीं, तो 41,000 रुपये आपने दिए तो जाकर भाई अपने स्कूल कॉलेज में आप अच्छी खासी पढ़ाई कर पाएंगे। और भी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। विद्यालयों को मिलेगी नर्सरी के लिए 50,000 रुपये का बजट, क्या दोस्तों अपडेट, इसको भी हम दिखा देते हैं आपके सामने। अपडेट लखनऊ से, भारत सरकार जन सहभागिता के माध्यम से विद्यालय नर्सरी योजना संचालित कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम वर्ष 45 पौधशाले स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार मुकेश कुमार ने बताया कि योजना 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक क्रियान्वित की जाएगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का सहयोग लेकर नर्सरी का विकास किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को नर्सरी के लिए 50,000 रुपये का बजट दिया जाएगा। तो गाइस कितनी अच्छी बात है, विद्यालयों को मिलेगा नर्सरी के लिए 50,000 रुपये का बजट, सोचिएगा अभी कितनी धांधली होती, क्या क्या होता है अभी आपके सामने, बहुत ही जल्द आने वाला है सब कुछ। क्योंकि आपको पता ना जो कोई नई स्कीम आती है तो भाई उसका फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है, देखते हैं क्या क्या होता है, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो डीएलएड छात्रों के लिए दोस्तों नोटिस यही है कि फिलहाल अब आप लोगों के स्कूल कॉलेज
रियल वाले खुलने वाले, ठीक है। ऑनलाइन अटेंडेंस अब आपको जाकर लगाना पड़ेगा। कोरोना में बहुत छुट्टी हो गई, बहुत घर बैठ चुके हैं, लेकिन अब कॉलेज वाले पहले की तरह दोस्तों आपको फिर से बुलाएंगे, जबरदस्ती का कहिए या जो भी कहिए, कॉलेज ना जाने के फाइन जो वसूले जाते थे फिर से वसूले जा सकेंगे, अगर ये आदेश एक बार पालन में आ जाएगा तब, ठीक है। तो काफ़ी दिन दोस्तों घर पर बैठे मौज मस्ती हो चुकी है, हो सकता है कि अब आपको कॉलेज जा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी दोस्तों डीएलएड का रिजल्ट आप कैसे देख पाएंगे उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है। जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।